सही राम टू ऑल। बच्चों, अभी तक संस्कृत में आप सबने वर्ण, लिंग और वचन पढ़ लिए हैं तथा अब आप पढ़ेंगे पाठ 5 पुल्लिंग। जैसे कि पिछले पाठ में पढ़ा आपने कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग किसे कहते हैं, वह सब आप लोग पाठ 4 में पढ़ चुके। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। तो आप ये पाठ 4 में पढ़ चुके हैं। जैसे बालक, अश्व, हंस इत्यादि। तो इस पाठ में प्रश्न पूछा जा रहा है कि एष क अस्ति, क्या है एष क अस्ति। यहाँ पर जो पिक्चर बना हुआ है, आप इस पिक्चर को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। और पिछले ऐसा जैसे कि पिछले पाठ में आप सबको भली भांति ज्ञात हो गया होगा कि पुल्लिंग में कह का मतलब क्या और कौन होता है। यहाँ पर क्या लिखा गया है? एष क अस्ति। तो एष किसके लिए लिखा गया है? पुल्लिंग के लिए। जैसे पुल्लिंग एक वचन और स्त्रीलिंग में आएगा एषा और नपुंसक लिंग में होगा एतत। तो आया समझ में? पुल्लिंग में एष, स्त्रीलिंग में एषा और नपुंसक लिंग में एतत और होगा वो एक वचन, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पर? एष क अस्ति, यह कौन क्या है, ब्रैकेट में क्या लिखा है, यह कौन क्या है। अब यहाँ पर साथ साथ पिक्चर भी दी गई हैं जो कि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा और प्रश्न का उत्तर देना और प्रश्न बनाना भी समझ में आ जाएगा। तो एष क अस्ति, एष बालक अस्ति, एष बालक अस्ति। जब एष के आगे जो दो बिंदु हैं उसको किस तरह से आपको बोलना है, तो वो विसर्ग कहलाता है। बार बार मैंने यही कहा है। और बालक अस्ति तो उसका अर्थ क्या होगा, उसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? यह बालक है। क्या बोला जाएगा? यह बालक है। अब है नीचे एष क अस्ति, ठीक है। यह कौन तो बालक के लिए बोला गया, लेकिन जब यहाँ पर आपको पक्षी दिखाई दे रहा है तो इसको यह क्या है, यह कौन है, यह क्या है, तो थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे एष क अस्ति, एष खग अस्ति। यह क्या है? पक्षी है, ठीक है। अब है नीचे एष क अस्ति, एष वानर अस्ति, एष वानर अस्ति। यह क्या है? बंदर है। क्या है? बंदर, ठीक है। एष क अस्ति, एष रथ अस्ति। यह क्या है? यह रथ है। तो रथ का रथ ही होता है, ठीक है। अब आगे नीचे चलते हैं, शब्द और अर्थ। तो यहाँ पर दिया गया एष, एष का अर्थ यह हुआ, का अर्थ कौन या क्या, अस्ति का अर्थ हुआ है, बालका का अर्थ बालक, खग का पक्षी, वानर बंदर, वानर बंदर, रथ रथ। तो अब ये शब्द अर्थ आपको दिख रहे हैं, इनको आपको बार बार बोल बोल कर याद करना है, ठीक है। जैसे एष यह, कह कौन क्या, अस्ति है, बालकः बालक, खगः पक्षी, वानरः बंदर, रथ रथ। इस तरह से आपको बोल बोल कर याद करना है, लिख कर भी याद कर सकते हैं या बोल कर याद कर सकते हैं। अब नीचे चलते हैं,
एषः बालक, यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा है, क्या ये बालक है? तो आपने यहाँ पर पिक्चर देख के बताना है कि यहाँ पर किस चीज़ का चित्र दिया गया है, क्या कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि अध्यापक पढ़ा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड में अध्यापक क्या कर रहे हैं, स्याम पट में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर है ऐसा बालक न अस्ति, क्या लिखा गया है, ऐसा बालक न अस्ति, ऐसा आचार्य अस्ति, यह बालक नहीं है, यह कौन है, अध्यापक है। क्या लिखा गया है, ऐसा बालक न अस्ति, ऐसा आचार्य अस्ति, तो यह कौन है, यह बालक नहीं है, यहाँ पर कौन है, अध्यापक है। अब है यहाँ पर पिक्चर में क्या है, यहाँ पे लिखे ऐसा एण, मतलब यह हिरण है, तो यहाँ पर हिरण तो नहीं है, यहाँ पर बंदर का चित्र है, तो यहाँ पर लिखा है ऐसा एण न अस्ति, ऐसा वानर अस्ति, तो यह हिरण नहीं है, यह बंदर है, ऐसा एण न अस्ति, ऐसा वानर अस्ति, ऐसा एण नास्ति, ऐसा वानर अस्ति, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर लिखा है ऐसा गज, यह क्या हाथी है, नहीं, ऐसा गज नास्ति, ऐसा एण अस्ति, यह हाथी नहीं है, यह हिरण है, ठीक है। इस तरह से आपको पढ़ते हुए जाना है तथा पिक्चर के पिक्चर को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि यह क्वेश्चन किस तरह से लिखा गया है और क्या इसका जवाब है, ठीक है। ऐसा वानर, तो ऐसा वानर, ये तो वानर नहीं है, यहाँ पर किसका, मोर का चित्र बना हुआ है, तो यहाँ पर बोलेंगे ऐसा वानर न अस्ति, यह बंदर नहीं है, ऐसा वानर न अस्ति, ठीक है, ऐसा मयूर अस्ति, ऐसा मयूर अस्ति, यह बंदर नहीं है, यह मोर है। आया समझ में, ऐसा दंड, तो यहाँ पर लिखा है ऐसा दंड, यह डंडा है क्या, तो यहाँ पर तो रथ का चित्र बना हुआ है, ऐसा दंड न अस्ति, ऐसा दंड न अस्ति, ऐसा रथ अस्ति, ऐसा रथ अस्ति, यह डंडा नहीं है, यह रथ है, यह डंडा नहीं है, यह रथ है, ठीक है। इस तरह से आपको बोलना भी आ गया और किस तरह से यहाँ पर पिक्चर दिए गए हैं, कैसे हमको बोलना है और कैसे इसका अर्थ दिया गया है, ठीक है। अब नीचे शब्दों के अर्थ हैं, शब्द और अर्थ हैं, तो यहाँ पर आचार्य, आचार्य, तो आचार्य का अर्थ होगा अध्यापक, हिंदी में उसको बोलेंगे अध्यापक, ठीक है। एणा, एणा संस्कृत में बोला जाएगा, और हिरण किस में बोला जाएगा, हिंदी में, एणा हिरण, ठीक है। वानर बंदर, वानर बंदर। गज हाथी, गज हाथी। मयूर मोर, मयूर मोर। दंड डंडा, दंड डंडा। रथ रथ, रथ रथ, ठीक है। इस तरह से आपको याद करना है। अब है नीचे अभ्यास कार्य में हम चलते हैं, नीचे लिखे चित्रों को पहचान कर उनके लिए सही संस्कृत शब्द लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं हंस, रथ, वानर, घट, खग, इंदु। तो यहाँ पर है ऐसा खग अस्ति, ऐसा एग्जाम्पल में दिया गया है, यहाँ पर ऐसा खग अस्ति, यह पक्षी है। ऐसा डैश अस्ति, तो ऐसा आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, तो ऐसा रथ अस्ति, ऐसा रथ अस्ति, ऐसा डैश अस्ति, तो जहाँ पर डैश होगा तो आपको क्या लिखना है, ऐसा घट अस्ति, ऐसा घट अस्ति, यह घड़ा है, ठीक है।
एषः हंसः अस्ति एषः वानरः अस्ति एषः वानरः अस्ति। यहाँ पर किसका चित्र बना हुआ है? चंद्रमा का। एषः इंदु अस्ति। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे, ये आपने देखकर इनको फिल किया तथा बोल बोल कर याद भी आपको करने होंगे। ठीक है, अब चलते हैं नीचे क्वेश्चन नंबर टू में। नीचे कुछ संस्कृत के शब्द दिए गए हैं, अर्थों में से सही शब्द चुनकर सामने लिखिए। ठीक है, तो पहला है एणः, तो एणः के दो ऑप्शन दिए गए हैं, भेड़ और हिरण। तो आपको पता है कि एणः का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो एणः का यहाँ पर क्या लिखा है? हिरण। अब है ईशः, ईशः का क्या होगा? भगवान शंकर होगा या गणेश होगा? तो ये आपको याद होना चाहिए, आप पीछे पढ़ चुके हैं, तो ईशः का मतलब भगवान शंकर। ठीक है, ठटकः, ठटकः का ठटेरा या घड़ा, तो क्या लिखेंगे हम ठटकः का? ठटेरा। ठीक है, षट्पदः का भौंरा या पक्षी, तो षट्पदः मतलब भौंरा। ठीक है, थ का खेत होगा या पहाड़ होगा, थ का मतलब है पहाड़, थ का अर्थ है पहाड़। तो इस तरह से आपको इस पाठ पाँच पुल्लिंग का पूरा अभ्यास कार्य से लेके या पूरा ये जो यहाँ पर पिक्चर सहित आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं इसको याद करना है, बोल बोल कर याद करना है, या आप अपनी रफ नोटबुक में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं डेली एक पेज आप लिखेंगे तो जो पैराग्राफ आपका आपको लगे कि आज ये पैराग्राफ करना है, वीकली आपको कम से कम 5 और 6 पेज संस्कृत के राइटिंग आप लिखेंगे तो जल्दी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखेंगे ऐसा का अस्थि, उसको मुंह से बोलते हुए भी जाएं और लिखते हुए भी जाओगे तो आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, साईं राम।